राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि मना उरु मना बंडी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट स्तर की सुविधा प्रदान की जा रही है। मंत्री हरीश राव ने कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रगति नगर में आधुनिक सुविधाओं में लीज मंडल प्रतिशत परिषद प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। मंत्री ने कहा है कि मना उरु मना बंडी कार्यक्रम के अंतर्गत 68 लाख रुपए की राशि से स्कूल को विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ही दिन में 700 सरकारी स्कूल शुरू करने की खुशी है। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मुहैया कराए गए तो दूसरी तरफ हम सुविधाओं के डिजाइन का जिम्मा उठाएंगे। उन्होंने छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना शुरू किया है। इस अवसर पर मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि डिजिटल कक्षाएं बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। मंत्री दलसानी श्रीनिवास यादव ने मसाब टैंक स्थित मत्स्य विभाग कार्यालय में नई मछली कैंटीन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि तेलंगाना देश एकमात्र राज्य जहाँ छोटी छोटी मछलियाँ और झींगा मुफ्त में वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद मत्स्य पालन क्षेत्र ने काफी विकास हासिल किया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य संपदा में बेतहाशा वृद्धि होने से मार्केटिंग के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने कहा कि मछुआरों का कल्याण सरकार का मिशन है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी जल स्रोतों में छोटी छोटी मछलियाँ और झींगे छोड़ दी गई है। राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर से आंदोलन के दौरान वो वादा किया था कि उसके अनुसार हम राज्य में शिक्षा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने राजन्ना सिरसिला जिले में गंभीरावपीठ मंडल में मन उरु मना बंडी कार्यक्रम के तहत केटीआर के साथ केजी से पीजी स्कूलों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में देश में कहीं भी गंभीरावपीठ जैसा कैंपस नहीं है। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि यह परिसर तेलंगाना के लिए प्रेरणा बनेगा। विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सीएम केसीआर की प्राथमिकता है। दानम ने कहा कि गरीबों की विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। उन्होंने हिमायतनगर डिवीजन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लाभार्थियों को चेक सौंपे हैं। मिर्चल जिले की पोचारम नगर पालिका अंतर्गत मना उरु मना बंडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मंडल परिषद प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन मंत्री मला रेड्डी ने किया है। बाद में मना उरु मना बंडी कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम केसीआर ने कहा है कि निजी स्कूलों के विरोध में पब्लिक स्कूल स्थापित करने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और लोगों के कल्याण के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीआरएस सरकार आने वाले दिनों में छात्रों के और करीबाने के लिए काम कर रही है। घनंगा स्वागतम పలుకుతున్నారు వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం పిల్లలందరూ కొంచెం వెడల్పు కొంచెం దూరం ఉండండి। विजयगट्टा नरसिम्हा रेड्डी ने हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मेगा जॉब मेला पोस्टर का विमोचन किया। विजय ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य में बेरोजगार युवाओं को समर्थन देने के इरादे से शुरू किया गया था। दसवीं कक्षा से शुरू होने वाले सभी प्रकार के एमटेक और बीटेक तकनीकी कोर्स के छात्रों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मेगा जॉब मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह जॉब फेयर हर साल लगता है कि यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्चर टेक्निकल सेल जॉब के मौके पर मुहैया करा रही है। यह पता चला है कि यह मेगा जॉब फेयर इस महीने की 25 और 26 तारीख को आयोजित किया जाएगा और सभी छात्रों को इस अवसर पर उपयुक्त नौकरी पाने के लिए करना चाहिए। नमोनारायण भागवत सप्ताह समिति के तत्वाधान में श्री सिंधि गुरु संगत सभा संगठन द्वारा संचालित एबट स्थित मीराहाल में श्रीवंद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहां पूज्य पंडित श्री दीपक शर्मा राजा महाराज शाम 4 से 7 बजे तक भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इसकी पूर्णाहुति रागनी 5 फरवरी को होगी जिसमें दिलीप छाबरिया हवन करेंगे। सिंधी सभा संगठन के अध्यक्ष गोविंद पछाने, संयोजक जगदीश और मीडिया प्रभारी कमल अहूजा ने भाग्यनगर के समस्त श्रद्धालुओं से कथा के अमृत का लाभ लेने की अपील की है। ओम नमो नारायण। मैं पंडित अविनाश शर्मा ओम नमो
ओम नमो नारायण भागवत सप्ताह समिति के पंडित जी के पदाधिकारी के तहत से आप सभी भाग्यनगर के सभी भाग्यनगर के जो भी वासी है उनसे ये है कि हमारे श्री सिंधी गुरु संगत सभा एसोसिएशन हीरा हॉल के अंदर जो कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का हमारे पूज्य महाराज पंडित दीपक शर्मा राजा महाराज के द्वारा सप्ताह का आयोजन किया गया है जो इसकी समाप्ति पूर्णोहोती 5 तारीख को होगी। आप सभी आए इसमें लाभ लें और भगवान के नाम का उच्चारण करके इस संसार से जो भव सागर से पार हो जाए। कविता बोल देती हूँ। नमो नारायण, मेरा नाम नीलम शिवानी है और मैं दीपक महाराज की शिष्या हूँ। ये हमारे सिंधी समाज के गुरु हैं। कितने सालों से ये भागवत कथा करते आ रहे हैं और भजनों के साथ नृत्य के साथ में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और मैं उनके नाम से एक कविता बोलना चाहती हूँ। गुरु है नाम तेरा, करूँ मैं सिमरण तेरा, तू कश्ती है मेरी, मैं साहिल हूँ तेरी, तू अनमोल है मोती, कहाँ से लाए ऐसी झूले लाल की ज्योति। बोल जय झूले लाल की जय। नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सिटी विजन से बात करने के लिए धन्यवाद। ओके धन्यवाद धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। सीपीआईएम के राज्य सचिव तमिनेनी वीरभद्र ने मांग की है कि वर्ष 2023-22 के केंद्रीय बजट में गरीबी उन्मूलन के लिए उपयोगी योजनाओं के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मदद के लिए आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य का हिस्सा काफी कम कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग ने इस बात की आलोचना की है कि राज्य में प्राकृतिक आपदा, मुआवजे, स्थानीय निकायों के लिए फंड, नगर पालिका, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले फंड में केंद्र से कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई संसाधनों के लिए धन देने से इनकार करना गलत है, लेकिन दशकों में स्वीकृत कुछ कार्य अभी विलंबित है। सीपीएम तेलंगाना राज्य सचिव तिमिनेनी वीरभद्रम ने कहा है कि इस बजट में स्पष्ट है कि केंद्र राज्य के प्रति सौतेला रवैया अपना रहा है। तेलंगाना में लोगों की आंखों की समस्या को रोकने के लिए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी कंटीवेलगु योजना के दूसरे चरण को विशेष प्रतिक्रिया मिल रही है। कुकुरपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पिछले महीने की 19 तारीख से 15 केंद्रों में कंटीवेलगु कार्यक्रम जारी है। कंटीवेलगु योजना को शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं। 9 दिनों तक 10,283 लोगों की आंखों की जांच हुई है। परीक्षा के बाद 5,224 लोगों ने रीडिंग क्लास लिया है और अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिनों में और 1,852 लोगों को चश्मा दिया जाएगा। केपीएचपी कॉलोनी चतुर्थ फेज के मिनी फंक्शन हॉल में 130 लोगों ने परीक्षा दी है। फतेहनगर भगत सिंह पार्क सेंटर में 100, बालानगर वार्ड ऑफिस सेंटर में 150 और इंदिरानगर स्थित कम्युनिटी हॉल में 100 लोगों की जाँच की गई है। बागम्बरपेट वार्ड ऑफिस सेंटर में 120 लोग, वेंकटेश्वर नगर सागर कम्युनिटी हॉल सेंटर में 124 लोग, एचएमटी हिल्स कम्युनिटी हॉल सेंटर में 109 लोग, रणरेश नगर कम्युनिटी हॉल में 104 लोग शामिल हैं। कुकटपल्ली यूएससी सेंटर में 107 लोगों की जांच की गई और हशमतापेट मॉडर्न मार्केट सेंटर में 121 लोगों की जांच की गई है। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि केंद्रीय बजट देश के दुनिया में उम्मीद की किरण बनकर चमकने का सबूत है। उन्होंने डॉक्टरों के साथ अस्पतालों के कर्मचारियों को सक्षम नहीं करने के लिए राज्य के मंत्रियों की आलोचना। उन्होंने याद दिलाया कि मौजूदा अस्पतालों की परवाह किए बिना लोग संक्रमण से मर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की वजह से देश जितना संकट में उतना ही आगे बढ़ रहा है। एसआरटीसी ने यात्रियों को खुशखबरी दी है कि अग्रिम आरक्षण कराने वाले यात्रियों के लिए विशेष छूट की घोषणा की गई है। जीएसआरटीसी ने कहा है कि अगर 31 दिन से 45 दिन पहले रिजर्वेशन कराया जाता है तो टिकट पर 5% की छूट दी जाएगी। 46 दिन से 60 दिन तक पहले टिकट बुक कराने पर 10% छूट का ऐलान किया गया। तदनुसार ऑनलाइन यात्री आरक्षण प्रणाली सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। टीएसआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट अग्रिम आरक्षण सुविधा वाली सभी सेवाओं के लिए लागू है। संक्रांति पर्व के मौके पर कंपनी ने एडवांस रिजर्वेशन 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन तक कर दिया है। यह सुविधा इसी साल जून तक मिल जाएगी। इस सुविधा को यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने बिना किसी परेशानी के आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक किया है। इस बीच अधिक यात्रियों तक पहुंचने के लिए टीएसआरटीसी ने इन विशेष रियायतों की घोषणा की है। मजलिस पार्टी के नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यक विभाग के आवंटन में 40% की कटौती की गई है। उन्होंने अल्पसंख्यक गरीबों की दुर्दशा की परवाह नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सबका साथ और सबका विकास का नारा शब्दों तक ही सीमित रह गया है। विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा की बैठक इस महीने की 3 तारीख से होगी और विधानसभा की बैठक की पृष्ठभूमि में सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा की बैठक इस महीने की 3 तारीख से होगी और विधानसभा की बैठक की पृष्ठभूमि में सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय बजट पर गरीबों में मायूसी लाने और बुजुर्गों के लूटने का आरोप लगा है। उन्होंने शिकायत की है कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाली चीजें बजट में नहीं दिखती है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय बजट पर गरीबों में मायूसी लाने और बुजुर्गों के लूटने का आरोप लगा है। उन्होंने शिकायत की है कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाली चीजें बजट में नहीं दिखती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 में वेतन भोगियों के लिए करुणा दिखाई है। उन्होंने कहा कि 7 लाख से कम वार्षिक आय वालों को सभी छूटों के साथ राहत देने के लिए आयकर छूट को बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 में वेतन भोगियों के लिए करुणा दिखाई है। उन्होंने कहा कि 7 लाख से कम वार्षिक आय वालों को सभी छूटों के साथ राहत देने के लिए आयकर छूट को बढ़ाया जा रहा है। विधानसभा में घोषित VRA के लिए वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर जेएसी नेताओं ने इंद्रपार्क में धरना दिया। उन्होंने VRS में अपने वादे पूरे करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पात्र VRA को पदोन्नति दी जानी चाहिए। VR हड़ताल के दौरान मरने वालों के परिवार के किसी एक सदस्य को 80 दिनों की हड़ताल, मजदूरी, नौकरी और अनुग्रह राशि देने के लिए जेएसी नेताओं ने सरकार से मांग की है। केंद्र सरकार ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के विकास पर फोकस किया है। हाल ही में हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन के विकास से जुड़े कार्यों की शुरुआत की है। रेलवे स्टेशन अभी निर्माणाधीन है। मुख्य रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तेजी से पूर्ण विकास कार्य के दौरों से गुजर रहा है। अधिकारियों ने विकास पर लगाम कसते हुए अक्टूबर 2025 तक कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे स्टेशन के वर्तमान में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए अधिकारियों ने कहा है कि मिट्टी परीक्षण, फोटोग्राफिक सर्वे से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं और अगले चरण के निर्माण कार्य योजना के अनुसार चल रहे हैं। फोटोग्राफिक सर्वेक्षण और सीमा नमूनाकरण के आधार पर साइट लेआउट का काम प्रगति पर है। रेलवे अधिकारियों ने उन्नत स्टेशन भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बुकिंग कार्यालय बनाने के लिए कदम उठाए हैं। मौजूदा स्टेशन के उत्तर में बहुस्तरीय कार पार्किंग को समायोजित करने के लिए मौजूदा बुकिंग कार्यालय को स्थानांतरित किया जाना है और इसके साथ ही वे बुकिंग सेंटर को अस्थायी रूप से वाहन पार्किंग गेट नंबर 3 पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं और इस लिहाज से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी तरह अधिकारियों ने पुराने रेलवे क्वार्टर्स हटाकर नए RPF कार्यालय के निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू कर दी है। भूमि न केवल कास्टिंग यार्ड की स्थापना महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री के कार्य क्षेत्र के लिए बल्कि सामग्री के भंडारण के लिए भी आवंटित की जाती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे साइट और स्टेशन के बीच सामग्री के परिवहन में मदद मिलेगी। नए डिजाइन किए गए स्टेशन भवन के लिए प्लेटफॉर्म की छत के डिजाइन और कवर ओवर शेल्टर को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्लेटफॉर्मों पर ट्रेन यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के अलावा अधिकारियों एक सुगत वातावरण प्रदान करने और आधुनिक निर्माण करने के लिए एक नया एलिवेटेड कवर डिजाइन कर रही है। एपी राज्य राज्यसभा संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर यालागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने कहा है कि प्रसिद्ध कवि के सिनारे की पत्नी सुशीला के नाम पर लेखकों को दिया जाने वाला पुरस्कार महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब है। सुशीला नारायण रेड्डी ट्रस्ट प्रसिद्ध सांस्कृतिक संगठन रसमयी रविन्द्र भारती में प्रसिद्ध लेखक कुपिल्ली पद्मा को सुशीला नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है।